Assalamualaikum students. आज थर्ड थ्योरम है आपके चैप्टर नंबर 8 का. इन एनी ट्राइंगल द सम ऑफ द स्क्वेयर्स ऑन एनी टू साइड्स इज इक्वल टू ट्वाइस द स्क्वेयर ऑन हाफ द थर्ड साइड टुगेदर विद ट्वाइस द स्क्वेयर ऑन द मीडियन विच बाइसेक्ट थर्ड साइड. अब इसमें तीन चार पॉइंट्स हैं जो आपको ये डिस्क्राइब आपने करने. एक तो ट्राइंगल होनी चाहिए आपके पास, उसके बाद उसके दो साइड्स को आप उनका स्क्वेयर ले सकते हैं. और एक और चीज़ है मीडियन. आप इधर फिगर में देखें तो ट्रायंगल एबीसी है और ये डी जो है इसका मिड पॉइंट है. या आप फ्री हैंड बना सकते हैं, आप एबीसी जिसी भी लेंथ के लेके तो डी इसका मिड पॉइंट लें. मिड पॉइंट को जब आप ऑपोजिट वर्टेक्स से मिलाते हैं तो ये मीडियन है. इसके बारे में आप नाइन्थ में भी पढ़ चुके हैं. तो आपके पास गिवन में है इन ट्रायंगल ए बी सी ए डी इज द मीडियन ऑफ ट्राइंगल ए बी सी विच ऑल्सो बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड विच बाइसेक्ट्स साइड बी सी एट पॉइंट डी. अब अगर ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है BC को तो इसका मतलब क्या हुआ कि BD इज कॉन्ग्रुएंट टू CD, यानी CD और BD की लेंथ हो गई बराबर हो गई. उसके बाद आपने प्रूव क्या करना है, द सम ऑफ द स्क्वेयर्स ऑन एनी टू साइड्स. अब ट्राइंगल की दो साइड्स हैं AB, क्योंकि तो मीडियन इसमें इन्वॉल्व है, इस साइड तो नहीं ले रहे, AB और ए सी ये ट्राइंगल की बाकी की दो साइड्स हैं. द सम ऑफ द स्क्वेयर्स ऑन एनी टू साइड्स, तो आप मीडियन अगर किसी और साइड पे लेंगे तो आप साइड्स को भी चेंज कर सकते हैं. तो स्क्वेयर ऑफ ए बी प्लस स्क्वेयर ऑफ ए सी, द सम ऑफ द स्क्वेयर्स ऑन एनी टू साइड्स इज इक्वल टू द स्क्वेयर ऑन हाफ द थर्ड साइड. अब थर्ड साइड जो है इसका हाफ है बी डी, इज इक्वल टू ट्वाइस द स्क्वेयर ऑन हाफ द थर्ड साइड, यानी बी डी. सी डी भी लिख सकते हैं, बी डी भी लिख सकते हैं. टुगेदर विथ के लिए फिर प्लस का साइन, ट्वाइस द स्क्वेयर ऑन द मीडियन. मीडियन आपके पास क्या है, ए डी. ठीक, ये क्लियर हो गया. अब हमने इसको प्रूव करना है. इसके लिए थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे. कंस्ट्रक्शन में हम सिंपली ए से परपेंडिकुलर गिराएंगे ए डी. कंस्ट्रक्शन है, इसको डॉटेड लाइन से करेंगे. AF, क्योंकि D ऑलरेडी मौजूद है, AF परपेंडिकुलर गिराएंगे BC पर. कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ड्रॉ AF परपेंडिकुलर टू, सिंबॉलिकली लिखेंगे BC. अब आते हैं प्रूफ की तरफ. सबसे पहले आप देख इसमें से एक ट्रायंगल लेते हैं हम ABD. ABD अगर देखें तो यहाँ पर एंगल D जो है ये एक्यूट एंगल है. ठीक, तो लिखते हैं इन ट्राइंगल ABD एंगल D इज लेस देन 90 डिग्री. लेस देन 90 डिग्री का मतलब ये एक्यूट एंगल है. अगर ये एक्यूट एंगल है तो पीछे हम थ्योरम एक कर चुके हैं, सेकंड थ्योरम में कर चुके हैं कि अगर ये आपके पास एक्यूट एंगल है तो इसकी ऑपोजिट साइड का स्क्वेयर इज इक्वल टू मेजरमेंट. ऑपोजिट साइड है ए बी, द स्क्वेयर ऑफ ए बी इज इक्वल टू द स्क्वेयर ऑफ द सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ अदर टू साइड्स दैट फॉर्म द एंगल. स्क्वेयर ऑफ मेजरमेंट ए डी प्लस स्क्वेयर ऑफ
measurement BD diminished by twice the product of projection of it is BD into the side sorry projection इसमें है FD projection है और side है BD क्या मैंने बोला FD ये आपका result है theorem क्या था in any acute angle triangle the square of side opposite to acute angle is equal to the sum of squares forming acute angle यानी acute angle को बनाने वाली sides के sum के squares के sum के बराबर है acute angle diminished by twice the rectangle formed by a side and the projection of other on it यानी उस साइड पे जो दूसरी साइड की प्रोजेक्शन है अदर ऑन इट अगर आप बुक में देखेंगे तो बुक में सिंपली आपको लिखा गया होगा थ्योरम नंबर 2 लेकिन आपने उसमें टेस्ट में या पेपर में थ्योरम नंबर 2 नहीं लिखना ठीक आपने पूरे के पूरे थ्योरम की स्टेटमेंट लिखनी है इसी तरीके से ये आपका रिजल्ट नंबर 1 है इसी तरीके से इन ट्राइंगल अब ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल लेते हैं ए सी डी इन ट्राइंगल ए सी डी मेजरमेंट एंगल डी इज ग्रेटर देन 90 डिग्री यानी ये अब आपका ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल आपके पास आ गई अब इसका थ्योरम क्या था कि इन ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ साइड ऑपोजिट टू ऑब्टूस एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स फॉर्मिंग द ऑब्टूस एंगल अलोंग विद यानी प्लस ट्वाइस द रेक्टेंगल फॉर्म्ड बाय द वन साइड अ साइड एंड द प्रोजेक्शन ऑफ अदर ऑन इट ठीक तो आपने यहाँ पर अब लिखना है स्क्वायर ऑफ मेजरमेंट ए सी इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ ए डी प्लस स्क्वायर ऑफ सी डी प्लस ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ प्रोजेक्शन आपके पास है एफ डी की और मेजरमेंट सी डी ठीक यहाँ पे मैं गलती से ट्वाइस लिख गई थी
बोलने में नहीं था लेकिन लिख गई थी, तो मैं साफ कर दिया, आप ठीक कर लीजिएगा। अब ये आपके पास आ गई है सेकंड स्टेटमेंट, ठीक। इसकी रीजन जो है, अब यहाँ पर आप लोग खुद इसके थ्योरम पर लिख लीजिएगा, सारा यही थ्योरम है, सिर्फ आपने एक्यूट की जगह पर यहाँ पर लिखना है ऑब्ट्यूज। आपने पूरी स्टेटमेंट एज इट इज कॉपी करनी है और सिर्फ आपने एंड पे जाकर और सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ ये एक्यूट की जगह पर ऑब्ट्यूज लिखने हैं अगेन, उसके बाद डिमिनिश्ड की बजाय आपने अलॉन्ग विद लिखना है। ये स्टेटमेंट आपको थ्योरम नंबर वन में मिल जाएगी। आपने पूरी की पूरी स्टेटमेंट जो है वो लिखनी है, तो मैं आपके हिंट के लिए यहाँ पे लिख देती हूँ, स्टेटमेंट आपने थ्योरम नंबर वन नहीं लिखना, आपने स्टेटमेंट पूरी लिखनी है, स्टेटमेंट ऑफ बुक के अकॉर्डिंगली थ्योरम नंबर वन की स्टेटमेंट आपने यहाँ पे कंप्लीट लिखनी है। अब अगर देखा जाए तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो मेरे पास क्या बनेगा, वन और टू को जब ऐड करेंगे तो मेजरमेंट ए बी का स्क्वायर प्लस मेजरमेंट ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू, मैंने लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड किया। अब देखें तो यहाँ पर मेजरमेंट ए डी का स्क्वायर है, यहाँ पर भी मेजरमेंट ए डी का स्क्वायर है, ठीक, प्लस मेजरमेंट बी डी है और यहाँ पर प्लस मेजरमेंट सी डी है, माइनस ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ बी डी एंड एफ डी है और यहाँ पर प्लस ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ सी डी एंड एफ डी है। अब मसला सिर्फ ये है कि मुझे सिर्फ बी डी को सी डी को चेंज करना है बी डी से, क्योंकि हम ऊपर दे चुके हैं कि बी डी और सी डी कॉन्ग्रुएंट है, तो मैं यहाँ पर और लिख के इनको चेंज कर सकती हूँ। अभी मैं इसको नहीं करती ऐसे, अभी सिर्फ ए सी को ही लेते हैं और मेजरमेंट ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू मेजरमेंट ए डी, जबकि सी डी की जगह पर मैं आराम से बी डी को यूज़ कर सकती हूँ, क्योंकि सी डी और बी डी जो थे ये एक दूसरे, यानी बी सी बी डी ने इनको बाइसेक्ट किया था बी सी को, तो बी डी और सी डी कॉन्ग्रुएंट थे। सी डी की जगह पर बी डी का स्क्वेयर प्लस अगेन ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ सी डी की जगह पर मेजरमेंट बी डी अगर आपको लिखे हुए में कुछ साफ नजर ना आए तो काइंडली ये नोट कर लीजिएगा कि मैं बोल क्या रही हूँ, जो मैं बोल रही हूँ वो आपने लिखना है, मेजरमेंट एफ डी अपनी जगह पर है। अब कल भी आपको बताया था कि जब हम और लिखते थे तो इसका मतलब है जो स्टेटमेंट का नंबर ऊपर चल रहा है वही स्टेटमेंट काउंट होगी। अब स्टेटमेंट नंबर वन और टू को जस्ट ऐड करेंगे तो बनेगा मेजरमेंट ए बी का स्क्वेयर प्लस मेजरमेंट ए सी का स्क्वेयर, यानी मैंने लेफ्ट हैंड साइड के साथ लेफ्ट हैंड साइड को ऐड किया। इसी तरीके से राइट हैंड साइड पे जाएं तो मेजरमेंट ए डी का स्क्वेयर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो जैसे हम करते हैं एक्स प्लस एक्स, जब एक्स में एक्स को प्लस करते हैं तो टू एक्स बनता है, तो वही चीज़ यहाँ पर है कि मेजरमेंट ए डी का स्क्वेयर प्लस मेजरमेंट ए डी का स्क्वेयर इज इक्वल टू टू टाइम्स स्क्वेयर ऑफ मेजरमेंट ए डी। सिमिलरली मेजरमेंट स्क्वेयर ऑफ मेजरमेंट बी डी पॉजिटिव है और यहाँ पर भी प्लस मेजरमेंट स्क्वेयर ऑफ बी डी है, ये भी टू टाइम्स प्लस टू टाइम्स मेजरमेंट ऑफ बी डी स्क्वेयर ऑफ मेजरमेंट बी डी। नेक्स्ट में चलें तो माइनस ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ बी डी इन टू एफ डी है, जबकि यहाँ पर प्लस ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ बी डी एंड एफ डी, ये आपस में कैंसिल हो जाता है, यानी आपका थ्योरम जो वो प्रूव हो गया। मेजरमेंट ए बी स्क्वेयर ऑफ मेजरमेंट ए बी प्लस मेजरमेंट ऑफ ए सी इज इक्वल टू ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ ट्वाइस द स्क्वेयर ऑफ मेजरमेंट बी डी प्लस ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ मेजरमेंट ए डी। नाइन सेगमेंट का साइन भूल गई थी वो लगा दिए, तो अब आपका थ्योरम जो है वो प्रूव हो चुका है। अब कल इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।